वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे फ्री फायर का सबसे बिगेस्ट ट्रिक फॉर रैंक पुशिंग, क्योंकि रैंक स्कोर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप सीखोगे फ्री फायर का टॉप मोस्ट स्ट्रेटजी इन स्क्वाड, प्लस ऐसा कौन सा बिल्डअप फॉर्मेशन बनाना चाहिए जिससे टीम और स्ट्रांग हो जाए। साथ ही साथ आप में से बहुत बंदे कमेंट करते रहता है कि स्केयरक्रो स्क्वाड का तो हो जाएगा, लेकिन क्या तू मुझे डुओ एंड सोलो का भी एक ऐसा ट्रिक दे पाएगा जिससे हम इजीली सेकंड जोन तक अंडरग्राउंड सर्वाइव कर ले। सेकेंड जोन तक सर्वाइव, वो भी इजीली। ओके, मैं इसका आंसर आपको लाइव प्रूव करके दिखाता हूं। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपको उतर जाना है पीक पे। जगह पीक पे, आप लोग पीक पे देख सकते हो कितने सारे बंदा लैंडिंग कर रहा है, लेकिन हम लोग लैंडिंग कहां करेंगे? आप लोग सबसे पहले देखो बंदा कहां जा रहा है, डबल डोर जा रहा है, कोई मल्टी विंडो जा रहा है, कहां पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग लैंड करेंगे, ये छोटा छोटा घर है, तीन घर पे लैंड करके यहां पे एक दो गन वगैरह ले लेना है। उसके बाद आपको जाना है इस घर पे, यहां पे आने के बाद आपको जाना है वेंडिंग मशीन का घर, फिर यहां से भी गन लेना होगा, ठीक है। यहां से भी लूट करने के बाद आपको निकल जाना है नीचे की तरफ से। जहां गाइस ये नीचे की तरफ से ब्रिज से आना है, और यहां से आपको ये टेंट वगैरह देख रहे हो, यहां पे आपको छुप जाना है। अब जैसे यहां पे छुप के बैठोगे सेकंड जोन तक आराम से सरवाइव कर लो, और मान के चलो कोई बंदा आपको स्पॉट कर लिया यहां पे गाइस, ठीक है, क्लू कैरेक्टर वगैरह की मदद से। तो आपको करना क्या है, यहां से नीचे जाना डायरेक्ट, आपको ये डायरेक्ट ये टावर के पीछे ले जाना, ठीक है। यहां पे बैठ जाओ और आराम से सरवाइव करते रहो। अब गाइस मैंने ये बहुत बार देखा है कि बंदे लोग अच्छा खासा हैवी परफेक्ट लूट कर लेता है, चाहे वो ब्लू जोन से हो या फिर मील ग्रेवयार्ड से, लेकिन जब बारी आती है परफेक्ट स्ट्रेटजी की तब वो पूरी तरह से खत्म। डोंट नो। तो भाई ये सब सिचुएशन में आप ये करना, तो सब टाइम में आप लोगों सबसे पहले यहां पे देखो गाइस कहां पे मैं जा रहा हूं, यहां पे ग्रेवयार्ड, मुझे मिला दो बाइक। अब यहां से मैंने क्या किया, ये बाइक वगैरह लेके कलेक्ट किया, और ये को मैं डबल डोर लेके आया, जगह डबल डोर में लेके आ गया। अब डबल डोर में करता क्या हो, ये गाड़ी को ऊपर लगा दो, ठीक है। मैंने एक बाइक लगा दिया, फिर नीचे से एक और बाइक में लेके आया, और यहां से डायरेक्ट डबल डोर के ऊपर यहां से मैंने ब्लॉक कर दिया गाइस, ठीक है। अब ये हो चुका एक ट्रैप, ये है ब्लॉक ट्रैप गाइस, ठीक है। अगर मान के चलो आपको रिक्शा वगैरह मिलता है, टोटो वगैरह मिलता है, तो टोटो वगैरह भी लगा सकते हो गाइस, ठीक है। आप देखो कोई बंदा अगर आता भी ना गाइस, आपके स्क्वाड की प्लेसमेंट देख के ही भाग जाएगी। गाइस अब बारी आती है ऐसी ट्रिक की जिससे रैंक पुश में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई सबको मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो इसको ध्यान सुनना, एक सेकेंड का मिस्टेक नहीं करना है आपको। तो देखो गाइस, फ्री फायर में बिगेस्ट प्रॉब्लम है स्क्वाड पोजीशन एंड प्लेसमेंट विद किल्स। तो अगर मैं आपको कहूं कि ये सारे मिस्टेक इसी ट्रिक पे है, तो जी हां गाइस, ये काम करना, ठीक है, आप लोग सब काम करना। आप सबसे पहले आपको एक सेफ लैंडिंग करके सेफ लूट करना है। उसके बाद जोन देखो कहां पे है, इसका सेंटर एंड मैक्सिमम टाइम सेंटर ऑफ जोन होता कहां पे, पीक, बीमा शक्ति, क्लॉक टावर। तो सेंटर ऑफ जोन देख के निकल जाना, ठीक है गाइस, सेंटर जोन देख के निकलना। फिर उसके बाद आप और आपके स्क्वाड में जो बंदे सब है ना, सबको बोलना आप लोग कि भाई लोग ये बीमा सकते हैं बहुत सारे टावर से, ठीक है, ऐसे उनको बोलना। एंड ये ट्रिक अब हम लोग करेंगे क्या, स्क्वाड से हर एक प्लेयर, ठीक है, हर एक बंदा एक एक टावर पकड़ लेंगे, एक एक टावर पर बंदा एक सिंगल टावर पकड़ लेंगे। इससे हमको रैंक पुश में बेनिफिट ये होती है कि हम लोग अपने पूरे स्क्वाड को आराम से कवर दे सकते हैं सभी एंगल से। जी हां गाइस, आप लोग खुद ही देखो, मैं सभी एंगल से कवर दे सकता हूं, चाहे मैं वो मुझे दे रहा है या फिर मैं उनको दे रहा हूं, लेकिन कवर सबको मिल रहा है, ठीक है। इससे ना गाइस आपका किल एंड पोजीशन सब ओके हो जाएगा। एंड गाइस मैंने क्या बोला था, एक ऐसा टीम फॉर्मेशन जिससे एनिमी स्क्वाड डायरेक्ट खत्म, जगह डायरेक्ट खत्म। तो ये सबके लिए जरूरी है, लेकिन जिनका लेवल 50 प्लस से ऊपर है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे कम है तो कोई बात नहीं, आप लोग भी देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो देखो गाइस, आपने जॉन्टी भाई को भी देखा है गाइस, वो हमेशा कहता है कि परफेक्ट टीम बनाओ, ठीक है, एंड सब में एक स्पेशल टैलेंट होनी चाहिए, कोई स्नाइपर गोड होना चाहिए तो कोई एसेल्टर गोड। तो वैसे आपको रैंक पुशिंग के टाइम में पहले से आप स्क्वाड को मैनेज करो, लाइक एक बंदा को टीम में मैं स्नाइपर रखूंगा, दो बंदा रसर एंड एक सपोर्टर, इससे आपका स्क्वाड का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। एंड मैंने भी ट्राई किया है और अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे कि आपने भी एफएफएससी टूर्नामेंट देखा ही था, क्या इस मतलब प्रो प्लेयर सब था, मतलब बहुत ही अच्छा स्क्वाड मैनेजमेंट। लास्ट बट सबसे मेजर ट्रिक है, तो गाइस आप सब लोग फ्री फायर में ये गलती क्यों करते हो, मैं आपको हर बार बोलता हूं तब भी आप ये गलती करते ही हो। तो ये टीममेट्स के ऊपर है, ठीक है, टीममेट के ऊपर है। मतलब होता क्या है, आप हमेशा एक अच्छा से स्क्वाड बनाना चाहिए, ठीक है, आपको स्क्वाड अच्छा होना चाहिए जो आपका कहना मानते हैं। अगर अच्छा टीममेट्स चाहिए तो आप लोग इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप लोग सभी ऐसा लिख देना कि आई नीड ए स्क्वाड फॉर फ्री फायर एंड माय फ्री फायर यूआईडी इज दिस दिस दिस। ओके, अब जो भी आपका कमेंट रीड करेगा वो
सियोरली आपका रिप्लाई देगा स्क्वाड में आने के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंडियाज बिगेस्ट 100% रियल फ्री डायमंड ऐप का लिंक दिया है, तो जिसको भी फ्री का इलाइट पास, फ्री डायमंड टॉप अप वगैरह चाहिए तो अभी कभी डाउनलोड कर सकते हो। इट्स टोटली फ्री, बस कॉइन्स कलेक्ट करो लाइव स्ट्रीम देख के।